जी नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट, मैं हूं रवि भास्कर। और झारखंड से एक बड़ी खबर, ईडी के समन को तैयार हैं इरफान अंसारी। इरफान अंसारी जो झारखंड के जामताड़ा से कांग्रेस के विधायक हैं और उन पर एक बड़ी आरोप लगी थी कुछ दिन पहले 30 जुलाई को कि वो झारखंड के गठबंधन सरकार को गिराने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसी विषय पर खरीद फरोख्त की उस पर केस दर्ज हुए और वो कोलकाता में 49 लाख कैश के साथ पकड़ाए हुए थे, जिसको लेकर के देर सवेर ईडी ने 13 जनवरी को समन भेजा। जब सवाल किया गया कि आप ईडी समन में क्यों नहीं गए, क्योंकि इरफान अंसारी 13 जनवरी से पहले मना कर देते हैं, वो जाने वाले थे, खबर सुर्खियों में बनने वाली थी, सबकी निगाहें वहां पर अटकी हुई थी कि आखिर इरफान अंसारी का केस क्या है, लोग जानना चाह रहे थे। लेकिन जब अगले सुबह उन्होंने मना कर दिया, तब उसे सवाल किया गया कि आखिर आपने ईडी के समन में जाने से खुद को रोका क्यों, तो उन्होंने इस बात को खारिज किया कि मैं अस्वस्थ था, मेरे दांतों में दर्द थी, इसके वजह से मैं नहीं जा पाया। और इसकी जानकारी भी मुझे मीडिया के माध्यम से मिला, मुझे कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। पर जब मैंने उन्होंने कहा कि जब मैंने अपने ईमेल को चेक करवाया, क्योंकि जब कोलकाता में हमारे ऊपर वो आरोप लगे थे तो हमारी मोबाइल जब्त हो गई थी और हमारा मेल भी उसी में था, किसी को बुला करके उन्हें अपने कंप्यूटर में खुलवाया जिसमें हजारों मैसेजेस थे और उन मैसेजेस में एक मैसेज ईडी के समन का भी था। और उन्होंने ये कहा कि दांतों में दर्द होने की वजह से मैं ईडी कार्यालय नहीं जा पाया, लेकिन मैं इस चीज़ से डरता नहीं हूँ, जो मेरे ऊपर आरोप लगे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है, मैं इसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। जब उनसे अगला सवाल किया गया कि आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हुए हैं, ईडी के समन के लिए आप किस रूप में और कितना तैयार हैं, तो इरफान अंसारी कहते हैं एक कहानी बनाते हुए कि मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, बल्कि मैं तो साड़ी खरीदने कोलकाता जाया करता था और उसी क्रम में मैं इस वर्ष भी साड़ी खरीदने गया हुआ था, और लेकिन मुझे सीएमओ और कांग्रेस के अधिकारी ऑफिस से भी कॉल आती है जिसके वजह से मुझे लौटना पड़ता है और उसी क्रम में मुझे कोलकाता के पुलिस दबोचते हैं, जिसके कारण से ये सुर्खियां बन जाती है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, वो रकम साड़ी खरीदने की ही थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 49 लाख रुपये वो भी अवैध तरीके से उनके गाड़ी में मिली थी, जिसके वजह से ये शक पैदा हुआ और झारखंड में तब ये मुद्दा सुर्खियों में थी कि वो सरकार या गठबंधन सरकार के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। लेकिन अब उसके बाद वो काफ़ी दिन मीडिया से रूबरू होते रहे, चीज़ों को खारिज करते रहे, देर ही सही, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें फिर से समन भेजा है। वो 19 जनवरी को फिर से ईडी के समन के इंतजार में है कि अगला समन कब भेजा जाएगा, और वो जाने के लिए तैयार हैं। जब मीडिया ने अगला सवाल किया कि आपके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं और इस आरोप के कारण कांग्रेस ने आपको निष्कासित किया हुआ है, तो अगला रणनीति क्या होगा, इरफान अंसारी ने कहा कि जी मैं निष्कासित हुआ हूं और पार्टी के उच्च स्तरीय अधिकारी से के संपर्क में है और हमने अपना आवेदन भी दिया है कि मैं इस विषय में बिल्कुल साफ सुथरा हूं, मैंने कोई गलती नहीं किया है और ईडी के समन के बाद, जांच पड़ताल के बाद मैं बिल्कुल स्पष्ट तौर पर वापस आऊँगा और ये सोची समझी साजिश है जिससे मैं निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थी बड़ी खबर कि झारखंड के जामताड़ा कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, जिस पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, बने रहे रिपोर्टर पोस्ट में। मैं हूँ रवि भास्कर।